जय माता रानी की। मित्रों, देवी के नवरात्र गुप्त नवरात्र चल रहे हैं इस समय, और आप सब भी पूजा में लगे हुए होंगे, और तांत्रिक गण हैं वो तो विशेष तौर पर पूजा में लगे हुए होंगे, क्योंकि उनके लिए तो विशेष मुहूर्त चलता है इस समय। तो मित्रों, कुछ बताना चाह रहा था मैं आपको। अभी कुछ एक विचित्र केस आया था परसों, और माता रानी के पास से वो मैंने सॉल्व कर दिया तुरंत हैंड टू हैंड। मित्रों, एक केस आया था आज से 5 साल पहले, एक इंजीनियर साहब थे हैं, और एक आया था और एक ऑफिशियल वर्क करते थे मिस्टर, कुछ ऐसे था शर्मा जी करके था कुछ, उनका आया था। और एक कल आया था पुलिस इंस्पेक्टर साहब, हमारे पुलिस में हैं, एक मित्र है हमारे पुलिस विभाग में, तो उनका आया था। अब देखिए तीनों केस कैसे विचित्र हैं, तो मुझे इस पर वीडियो डालनी पड़ गई। अब इतने विचित्र मुझे केस आते हैं मेरे पास कभी कभी, तो मुझे बताना पड़ जाता है, आप लोगों को सावधान करना पड़ जाता है। तो देखिए, मैं इसमें आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर जी केस ऐसा हो रहा है तो आप मुझे वो करें, मुझे बताएं और मुझे बताएं, ताकि मैं आपको उसका हल बता सकूँ। तो केस कुछ इस तरह से मित्रों, कि हमारे मित्र जो पुलिस विभाग वाले मित्र कह रहे थे, सुरेंद्र जी नाम है उनका, तो कह रहे थे हमसे कि मनोज जी, हमारे घर में गैस का चूल्हा नहीं जलता है। तो मैंने कहा ऐसे नहीं, कुछ खराबी होगी, कुछ मिस्त्री विस्त्री को दिखा लो। तो उन्होंने कहा सब दिखा लिया, मिस्त्री घर से बाहर जाते ही उस चूल्हा जलने लग जाता है, कहीं भी उस चूल्हे को लेके जाओ दुकान पर, वो सही काम करता है, केवल घर में आके ही बंद हो जाता है। और फिर घर में सब चीज़ करके देख ली, गैस भी आ रही है, सब चीज़ें, लेकिन जल नहीं रहा है वो। तो ऐसे ही वो पहले बताया था जो इंजीनियर साहब का, ऐसा ही हुआ था कि उनका केवल घर से बाहर निकालते ही चूल्हा जल जाता था, घर से बाहर निकाला दरवाजे से और चूल्हा जल जाता था, लेकिन अंदर नहीं जलता था। तो मित्रों, इसमें एक चीज़ बता देता हूँ आपको, मैं आपको बहन नहीं डालना चाहता, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी या प्रेत बाधा घर में घुस जाती है ना ज़बरदस्त वाली, तब ये होता है, वो आँच को बंद कर देती है आपके घर की, लपट को जलने नहीं देगी। दीपक भी आप भगवान का जलाएंगे तो वो भी बार बार बुझ जाएगा, ये इन चीज़ों की शैतानी चीज़ों की ताकत होती है। और जो नहीं मानते हैं उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो आप मानो, क्योंकि मैं किसी पर दबाव नहीं डालता, लेकिन जो अनुभव है वो भी बता रहा हूँ आपको। और ये अनुभव एक जगह का नहीं है, 3 जगह का है, तीनों जगह एक ही चीज़ हुई थी और एक ही चीज़ से मैंने उसको भगाया था। तो क्या हुआ था मित्रों, कि मैं उनके तुरंत तत्काल कहता हूँ उसी समय कि देखो मित्र भाई साहब, ऐसा है कि मैं करता हूँ और आप बात कीजिए घर पर, और मैं यहाँ से मंत्र करता हूँ थोड़ा सा, अपना जो विधान है विधि, 1 मिनट का काम मेरा। तो मैंने बैठ करके ध्यान किया देवता हनुमान जी बाबा का, हनुमान जी बाबा को कहा कि वहाँ जाके अपनी ताकत लगाओ, दिखाओ कि मैं कौन चीज़ है, भगाओ उसको। तो मैंने उनसे कह दिया भाई सबसे कि आप जलवाइए चूल्हा अब घर पे, तो उन्होंने जलवाया, तो चूल्हा उस समय जल गया, हल्का जला लेकिन जल गया था। तो मित्रों, फिर वो ये कह रहे थे कि ये ऐसा कैसे, मैंने कि भाई साहब आपके घर में कोई नेगेटिव चीज़ घुसी आई है और कोई मतलब कोई हो गया। तो उन्होंने बताया था कि कुछ काम करने वाले लोग आए थे, उन्होंने वहीं पर बैठ करके खाना पीना खा लिया था रसोई में बैठ करके। तो मैंने कहा उनके संग कोई नेगेटिव चीज़ थी, उनके संग वो वहीं रह गई है। तो उन्होंने कहा हो सकता है, तो मैंने उस चीज़ को वहाँ से हनुमान जी की कृपा से हटा दिया। तो मित्रों जी, आपको एक सलाह है कि घर में कभी भी अगर ऐसी परेशानी हो रही हो, जैसे कि ये हो रही थी अभी, तो पहले तो घर में 11 रुपये का हनुमान जी का प्रसाद लगवाएं उसी समय तत्काल, ठीक है। और काम ना बोल करके कि महाराज जी काम नहीं हो रहा, महाराज जी काम क्यों अटक रहा है, जी काम कैसे नहीं, क्योंकि अग्नि बंद हो जाती हैं और बल्ब वगैरह होते हैं ना, बल्ब वगैरह बार बार चमकेंगे और मध्य हो जाएंगे, फिर जलेंगे, फिर मध्य हो जाएंगे, आपको अपने आप ही लगेगा कि मध्य तेज हो रहा है। ये भी चीज़ नेगेटिव एनर्जी की निशानी है, आग नहीं जल पाना घर में आपकी परेशानी हो जाना, ये भी नेगेटिव चीज़ की निशानी है। बार बार मतलब बार बार बिजली के फॉल्ट बड़े हो जाना और समझ में नहीं आना किस तरह हो रहे हैं, ये भी नेगेटिव चीज़ की निशानी है। किसी कमरे की बत्ती अपने आप रात को जल जाना, अपने आप बुझ जाना, ये भी नेगेटिव चीज़ की। तो मैंने अनुभव किया है कई जगह लाइटें अपने आप जल जाती हैं कई घरों में, और हर चीज़ बंद कर दो तो भी जल जाती है, मतलब प्लग कटआउट निकाल दो तो भी जल जाती है, उसकी ताकत होती है, इतनी जला देती है वो चीज़। ये सब नेगेटिव चीज़ की निशानी है। तो इसके लिए आप एक नींबू लीजिए, नींबू के ऊपर से चीरा लगाइए हल्का सा, उसमें सिंदूर भरिए, और सिंदूर भर करके महाकाली के नाम का या हनुमान जी बाबा के नाम से उसको रखिए ज़मीन पर,
पहले तो उस घर में चारों तरफ घुमाइए उसको नींबू को, ठीक है। फिर दरवाजे की देरी पर रखिए उसको, और हथेली से इस हिस्से से उसको फोड़ दीजिए। फोड़ने के बाद वो एक देवी देवता को एक भेंट चली जाती है उस चीज़ को हटाने के लिए। तो उसको फेंक मतलब करने के बाद उसको चारों दिशाओं में फेंक दीजिए, ठीक है। नहीं तो किसी भी दिशा में फेंक दीजिए, वैसे चारों दिशाओं में फेंका जाता है। अगर आप बंद नहीं फेंक पाते चारों दिशाओं में तो किसी भी दिशा में फेंक दीजिए। नीचे से नहीं डाल सकते, छत पर जाकर डाल दीजिए अपने, तो मान्य होगा। ये बहुत ज़रूरी बात बताइए मैंने आपको मित्रों, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे या तो कमेंट बताएं कमेंट में, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर कभी ये घटनाएँ घटती हैं तो इसी तरह से करें। थोड़ा सा कपूर लेकर के भी जला सकते हैं आप, कपूर लेकर के जलाइए, उसके ऊपर छोटी सी जायफल, दक्षिणी जायफल रख लीजिए, और बिल्कुल जायफल बिल्कुल जल जानी चाहिए। और देवता विशेष के लिए नाम लेकर के भेंट दी जाएगी जी, नहीं तो उसको जो नेगेटिव चीज़ ले जाएगी इस भेंट को, जैसे कि किसी माता रानी का नाम से, तो माता रानी आपके लिए ये लगा रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें ऐसे। तो मित्रों आपको मेरी जानकारी कैसी लगी बताइएगा, मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूरी है। जय माता रानी की।